फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है, फैकल्टी पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी, सारी चीज़ों के बारे में आपकी इस डिटेल से हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रेंड नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा इधर। यहाँ पे 18/6/2021 को आपकी ये वैकेंसी है, जिसमें आप दे सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की एम्स कल्याण बंगाली की बंगाल में वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑल इंडियन मेडिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए प्रोफेसर की वैकेंसी मिल जाएगी। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज टोटल नंबर वैकेंसी, यहाँ पे आपको देखिए एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सब के जो सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साइकोलॉजी की है, ठीक है। तो इन सबकी एक एक करके आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं जिस आपके देखना चाहते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी, लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक मेडिकल, ठीक है, जनरल मेडिसिन, ये सब की यहाँ पे वैकेंसी है। आप आपको ENT, जनरल सर्जरी आपको देखने में, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो, आपका न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इन सब की यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है प्रोफेसर की, यहाँ पे 22, 32, 65। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आपके रोजगार में अखबार में आए उसके 30 दिन तक आपको इसको आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी है। तो फ्रेंड, इसकी जो लास्ट डेट है 18 जुलाई 2021 है, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में आ चुका है इसलिए। तो फ्रेंड, 18 जुलाई से पहले इसके लिए आपको आवेदन करना है। तो फ्रेंड, इसकी आपको अन्य डिटेल पूरी जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग टाइम और करियर रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर कुछ पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक से आपको हमसे जुड़ सकते हैं, और सारे महत्वपूर्ण लिंक भी आपको जो नोटिफिकेशन और वेबसाइट के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड, इसका ये नोटिफिकेशन है, आपको पूरा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे रिलेक्शन फॉर ओवर 1 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपेंस ऑफ फॉर SC/ST कैंडिडेट फैकल्टी विल बी गिवन एज पर द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन देखने मिल जाएगी, प्रोफेसर की एसेंशियल आपको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए, MD या MS या रिकॉग्नाइज आपका क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए। या और दे सकते हैं MCH फॉर सर्जिकल सुपरविजन, आपका DM एंड मेडिकल सुपरविजन, 2 से 3 या 5 साल का आपका रिकॉग्नाइज पोर्शन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज आपके इक्विवेलेंट होने चाहिए। एक्सपेंस की यहाँ पे देखते हैं 14 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपेंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है, स्पेशली आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन MD MS, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते 12 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपेंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वो आपको यहाँ पे आपको डिटेल वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगी। एसेंशियल नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख रखा है और एक्सपेंस यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। एडिशनल प्रोफेशनल दे सकते हैं हम, यहाँ पे उसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 साल का होना चाहिए आपका टीचिंग में, आपका प्रोफेसर में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे स्पेशलिटी एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग डिग्री और MBA MSc, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेम एज प्रोफेसर आपका मेडिकल DM आपको देख सकते हैं रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट फॉर मेडिकल आपका सुपर स्पेशलिस्ट एंड MCH होना चाहिए। तो इसका जो एसेंशियल है सीखे जाके देखेंगे प्रोफेसर को, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। MCH इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट, और 2 से 3 साल का 5 साल का रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं आपका 8 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपका 7 ईयर का आपका टीचर और रिसर्च एक्सपेंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट स्पेशलिटी कैंडिडेट पासिंग 3 ईयर आपका रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ DM। तो इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे आपको देखने को 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सब की यहाँ पे जानकारी है।
आर ये नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट आपका एंटोनॉमी एमएससी, वुमन एंटोनॉमी, साइकोलॉजी एमएससी, मेडिकल आपका साइकोलॉजी साइकोलॉजी, ठीक है, बायो केमिस्ट्री एमएससी, मेडिकल बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, ठीक है, फार्माकोलॉजी एमएससी, मेडिकल फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डॉक्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न डिसिप्लिन। यहाँ पे आपके जो अदर जनरल कंडीशन है, ऑल पोस्ट कैरी आपका यूजुअल अलाउंस यहाँ पे आपका रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड रहेगा फॉलोइंग सबमिशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसकी मैं बता चुका 18 जुलाई इसकी डेट है, 28 जुलाई को आपको करना है 5 बजे तक नेक्स्ट वर्किंग डे तक, ठीक है। तो कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन एडवर्टाइजमेंट सूटेबल एज साइज फोर के उसके अलावा मेंशन इन द फॉर्मेट टॉप आपको एनवेलप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन अपोर्ट डिपार्टमेंट कैटेगरी फॉर्म कब से लेकर कब तक, ठीक है, आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल भी इंक्लोज सेल्फ आपका होना चाहिए इसके आपके दिए गए आपको एड्रेस पे, ठीक है। आपको जो एड्रेस दिया जाएगा इस पर आपको जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट MBBS डिग्री और आपका सर्टिफिकेट है मार्कशीट है और MBMSH के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है मार्कशीट टेक्निक आपकी टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके सबके साथ, ठीक है। आपके साइन होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे सकते हैं इसकी एनी क्वारी के लिए यहाँ पे आप उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर की आपकी जो सैलरी है 37 से लेकर 67, ठीक है, यहाँ पे आपको रहेगी। आपका ग्रेड पे 10,000 रहेगा, एडिशनल की 37 से लेकर 67 आपका ग्रेड पे 9,500, एसोसिएट का 37 से लेकर 67 9,000 आपका ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट की यहाँ पे 15 से लेकर 39 8,000 ग्रेड पे रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे दे सकते हैं आपका प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर का 58, ठीक है, यहाँ पे उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का 50 दे रखा है, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पे आप लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बाकी आप सबका, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें 1,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कि अनरिजर्व ओबीसी इकोनॉमी सेक्टर कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे SBI कलेक्ट से आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे आपको फीस कैसे करना है, यहाँ पे नो फीस SC ST फिजिकल डिसेबल्ड वुमन कैंडिडेट के लिए एनी कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट आपका पोस्ट आपका कैरी यूजुअल अलाउंस यहाँ पे आपको दे सकते हैं। प्रोविजन पीरियड जो 2 साल का रहेगा, ठीक है, या सस्पेंड प्रमोशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो उसके भी दे सकते हैं। और जैसे ही मैं आपको लास्ट डेट बता चुका हूँ 18 जुलाई है इसकी लास्ट डेट, यहाँ पे आपको नंबर है, इस नंबर पे आपको एनी क्वारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 5 से 9 से 5, ठीक है। और हॉलीडे को आपको 9 से 1 का समय दे रखा है सैटरडे, ठीक है, एक्सपेक्ट आपको हॉलीडे पे कॉल नहीं करना। तो फ्रेंड इसका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही मैं लिंक मिलेगा मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड इसकी देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर है, यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई ऑनलाइन आपका आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं समय समय पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूँ जिससे कि आप इजीली पहुँच सकें। तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी जो कि रिक्रूटमेंट की आपकी एम्स की कल्याण की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी प्रोफेसर आपका असिस्टेंट एडिशनल और आपका एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल है, तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और डेली अपडेट के हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद।